नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। अक्सर हम बालों को अच्छे से साफ करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, मगर इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश और दुनिया की जानी मानी कंपनी यूनिलीवर ने कई बड़े शैम्पू के ब्रांड्स में कैंसर पैदा करने वाला केमिकल होने की बात कही है। साथ ही इसे तुरंत ही मार्केट से वापस लेने के आदेश भी दिए हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे देश में शैम्पू का इस्तेमाल काफी आम हो चुका है, मगर शैम्पू को लेकर जो खबर सामने आई है उसे जानकर आपको हैरानी जरूर होने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार ड्राई शैम्पू में बेंजीन की मौजूदगी पाई गई है और इस केमिकल से कैंसर होने की संभावना जताई गई है। अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार ये प्रोडक्ट्स अक्टूबर 2021 से पहले बनाए गए थे और रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। अब इस खबर के सामने आने के बाद कंपनी ने तुरंत ही इन्हें मार्केट से वापस लेने के आदेश दिए हैं। वहीं इस खबर ने एक बार फिर पर्सनल केयर वाले प्रोडक्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें, पिछले 1.5 साल में कई एरोसॉल सनस्क्रीन जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन की न्यूट्रोगेना, एडजुवेल पर्सनल केयर कंपनी को बनाना बोर्ड को लेकर इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। रिपोर्ट के अनुसार पीएचजी ने पिछले साल दिसंबर में बेंजीन के मिश्रण का हवाला देते हुए अपने पेंटीन और हर्बल एसेंस ड्राई शैम्पू को वापस मंगाया था। ड्राई शैम्पू पाउडर या स्प्रे जैसा ही होता है। इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल आमतौर पर बालों को गीला किए बिना साफ करने के लिए किया जाता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वापस मंगाए गए उत्पादों में बेंजीन के डेली कॉन्टेक्ट से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल परिणाम होने की आशंका है। वहीं ब्लूमबर्ग ने एजेंसी के हवाले से कहा कि बेंजीन के संपर्क में आने से ल्यूकेमिया और अन्य ब्लड कैंसर हो सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने जॉनसन बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया था। बता दें, पाउडर के सैंपल स्टैंडर्ड क्वालिटी पर खरे नहीं उतरे थे। बहरहाल, अब आपको भी इन शैम्पू का इस्तेमाल करने से पहले सतर्क हो जाने की जरूरत है ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP News।